कितने दिन से चल रहा है सर? ये कहीं जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये खाना चल रहा है। हम लोग ज़्यादा तो नहीं, 500-600 लोगों के बीच में अपने नैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बटवा रहे हैं। दलित बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, जहाँ डेली बेसिस के मजदूर निवास करते हैं। आज चूँकि कोरोना वायरस इलाहाबाद ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर ये महामारी जो फैली हुई है, इसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन, क्योंकि लॉकडाउन के अंतर्गत लोग अपने घरों में हैं, गरीब दलित बस्तियों में भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं और बहुत से लोग ऐसे आवें जो कि इस काम को करें, क्योंकि गवर्नमेंट, पूरे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो काम कर रही है, सराहनीय काम कर रही है। अपने इलाहाबाद के नैनी थाने के अंतर्गत पुलिस विभाग भी अच्छा काम कर रही है, हम लोगों को पूरा सहयोग कर रही है। हम चाहते हैं कि और लोग, सामाजिक लोग आगे आप बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा। सर, जो सरकार द्वारा 1,000 रुपये दिया जा रहा है गरीबों को, 500 दिया जा रहा है, वो काफ़ी है? नहीं, वो काफ़ी तो नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन जो है 14-14, 15-15 दिनों का है, फिर आगे संभावना भी बढ़ने की है, क्योंकि इस महंगाई के अंतर्गत कम से कम प्रत्येक परिवार को, जहां 5-6 परिवार एक घर पे रहता है, कम से कम 5,000 रुपये देने की आवश्यकता है। नाम सर? अनिल द्विवेदी, पोर्ट जिलाध्यक्ष कांग्रेस। शुभ काम में ज़्यादातर पुलिस और प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। दोस्तों, आज नैनी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जाके लोगों की समस्याएं देखी और वरिष्ठ समाज सेवी द्वारा खाद्य वितरण, पुलिस का सहयोग आज अपने आंखों से देखा, और रही बात पब्लिक की परेशानियों को, उनकी ही जीवानी सुनिए। मैं रामजी विश्वकर्मा, जनवाद टाइम्स, प्रयागराज। सरकार हर जगह सुविधा करे भैया, इतनी बड़ी बड़ी बात बोली किया करेगी और करेगी गरीब के, मगर हम लोग को कुछ फूल मंडी में कोई सुनाई नहीं है, न राशन, न पैसा खाता में, सब क्या होता है, हम लोग को भी नहीं आ रहा है, क्या करें, क्या खाएं? पैसा दे तो गल्ला मिले, नहीं तो गल्ला ही ना मिले। हर जगह तो सुविधा बाटे, नीमक तेल दाल सब कुछ मिलता है, यहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं है। पैसा वैसा नहीं यार? नहीं, पैसा दिया तब कार्ड पावा, कार्ड पे राशन मिला हम लोग, कोई के लाल मिला है, कोई का, हम लोग गरीब नहीं ना, जांच किया जाए कि हम लोग कितना मोटवार है, कोई के लाल है, कोई सफेद है, सफेद वाला कहते हैं मोटवार है, तो हम लोग जांच करें ना कि यहाँ कितना मोटवार है, फूल मंडी वाले राशन कार्ड नहीं है, कोई के राशन कार्ड बना है, कोई के नहीं बना है, यहाँ अगली कंचर पूरा थाने पुलिस आई, डंडा उठा उठा मरी, कोई सुविधा नहीं, कोई चीज के नहीं, हम लोग कहीं भैया हम लोग खाई का कहीं अंदर रहो, अंदर रहा बस, न दुकान लगा हुआ, ना क्या कहीं लगा हुआ, लड़का कैसे दिया भैया, भैया बहुत जाई के तो राशन कार्ड राशन उठावत गए, सब्जी वब्जी कुछ नहीं, खाता में तो पैसा आया होगा, कुछ नहीं आया, एक पैसा नहीं आएगा, कह रहे हैं 500 रुपये अकाउंट में आ गया, कुछ नहीं भैया, और लोग कह रहे हैं आ गया 500 रुपये अकाउंट में, अकाउंट आप लोगों ने चेक किया है? बैंक जाओ चेक करो, जनधन खाते में आ गया 500, अकाउंट में हम लोग गए थे, नहीं आया, कुछ लोग का नहीं आया, नहीं आया, फूल मंडी और कोई दिक्कत आप लोगों की? अरे खाना पीना तो कहीं भी, अरे दाल चावल खाना पीना तो हम लोग पूरी जो ले आते हैं खा लेते हैं, इलाहाबाद के डीएम ने किया है 19-20, अच्छा कच्चा राशन डायल करो, यहाँ तो कुछ भी नहीं, घर पे आपको राशन आटा दाल चावल पहुँचा रहा है, नहीं भैया कहाँ से गरीब आदमी खाएगा, कहाँ से किसान भाई, कुछ रोजगार नहीं है, जो लगातार हम लोग जो बांट देते हैं यही पाते हैं, लड़का खा लेते नहीं, इसे मरत रहे पटपटा रोड पे कमाए खाएगा रहे है, मेरा काम धंधा कोई चीज का नहीं है, राशन भी लेते हैं तो पैसा लेते हैं, हाँ हम क्या करें, भूखे मर जाए, के मेरा खाता का पैसा नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, हम भूखे मरे, सब्जी के तेल के पैसा आता है,
कहाँ पाए हैं, सूखे खाना बनाते नहीं है, ये जो बांट रहे हैं वही खा के हमने सो रहे हैं, तो नहीं मिल रहा, मिलता है तो पैसा लेते हैं। अच्छा, हाँ आपके आपके बच्चे उच्चे? हमारे 4 बच्चे हैं, अब राशन भी मिलता है तो पैसा भी मिलता है, और क्या कहते हैं, बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं तो पैसा भी नहीं है आस पास में, अगर जो भी गया 10-5 होता है तो जो बच्चे को खिला पिला देते तो हमें क्या खाना पीने को बचेगा, तो मेन बात क्या है, खाता में पैसा आया भी होगा तो मेरे पास भी नहीं है, जाए भी गए खाता में तो पता नहीं दे भी नहीं दे, मिल के आगे हमें पैसा मिले भी नहीं मिले, आज करीब 30 भगा देते हैं, जहाँ मेरे बच्चे बोलते हैं कि यहाँ वाली फैलेगा, यहाँ से दूर हटो, बच्चे हमारे हैं, बताइए तो कहाँ से दवा खिलाए, कहाँ से हम खाए खाना, सब्जी साग का मंडी जाते हैं तो जो पैसा हाथ पास में हो तब तो जाए तो ले आए, हमारे 1,000 में कोई पैसा नहीं पड़ेगा, जो है तो आप थोड़ा बहुत समझ के डालिए, पैसा 1,000 हमारे कोई काम में नहीं आएगा कि आप या हम अपना करेंगे, बताइए जो है जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, धन्यवाद।